भाई अजय देवगन को क्या करना है पढ़ना भाई। पढ़ना भाई अजय देवगन। आज मौका मिला है तौर पे चुनना है वो स्टेज पर आकर बाकी घर वालों में से किसी एक सदस्य को स्टेज पर बुलाएगा जो उसे लगता है कि इस घर में एक्टिंग कर रहा है जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और वो दो मिनट तक बताएगा कि वो सदस्य असली मत के कैसा है। एक सदस्य चुनना है जो तुम्हें लगता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और जो बताओगे आप वो असलियत में है कैसा ये बताना असलियत में है कैसा। हाँ भाई मैं आपको चूज करता हूँ भाई आपको ना। हाँ पहले मैं बताऊंगा कि भाई सबके लिए कैसे है मतलब बाहर से फिर मैं बताऊंगा आप रियल में कैसे हो। हाँ बाहर से सबके लिए भाई है बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड कि एकदम भाई मेरे से कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे घर में मेरे से कोई बेस्ट नहीं है मेरे से कोई बेटर नहीं है हर चीज में अपना ओपिनियन घुसेड़ेंगे जहाँ पे जरूरत भी नहीं होती और कुछ बोलेंगे नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि बैठे रहेंगे ऑब्जर्व करते रहेंगे आपस में चुगली करते रहेंगे और ये दिखाएंगे सब लोगों को कि मैं आपका दोस्त हूँ। जब आप मेरे को मिले थे स्टार्टिंग में आप मेरे को भी ऐसे करते हो कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बट पीठ पीछे आप बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए बोलने के लिए क्योंकि आप इतना दिखाते नहीं स्क्रीन पर और इसलिए शायद आप दिख भी नहीं रहोगे। अब मैं बताता हूँ कि रियल में कैसे हैं। रियल में भाई सबसे पहले तो है भाई बहुत ज़्यादा डरपोक क्योंकि मैंने बहुत बारी ट्राई करा जैसे कॉफ़ी के लिए मैं प्रोवोक करा मैं जानबूझ के कर रहा था कि मज़े लेने के लिए कि कॉफ़ी 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 उस टाइम भी मैं हंस रहा था तो भाई के मन में ऐसा तो होता है कि गुस्सा है वैसे बट गुस्सा दिखाते सिर्फ लड़कियों पर मर्दों पर किसी पर भी भाई ने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया। मैं चाह रहा था कि मुझे आके कुछ तो बोले कुछ भी ऐसे हिम्मत कैसे होगी तेरी ये कैसे कर रहा है वो कैसे कर रहा है बट भाई ने चूज करा कि नहीं यार अगर मैं यहाँ पे लड़ लिया तो ये मुझे सुना देगा मतलब भाई को ऐसा डर है। मैं ही नहीं कह रहा कि जो भी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है भाई को डर है। पहली चीज तो भाई ये फट्टू दूसरी चीज वैसे फट्टू ही है और चुगलखोर है बहुत ज्यादा चुगलखोर मतलब किसी एक के नहीं हो सकते। अगर किसी एक से दोस्ती कर ली तो थोड़ी देर में दूसरे के पास जाके वो तो वैसा है अच्छा वैसा एक अलग ग्रुप बना रखा है एक ना दो तीन जनों का ग्रुप बना रखा है और उनको लगता है कि वो सबसे सुपीरियर है यहाँ पे है ना और भाई उनके लीडर है कि कभी इसके पास कभी उधर उनमें से वैसे चार हैं टोटल एक बंदा ठीक है दो बचते हैं वो बराबर के फेक हैं उनको भी पॉइंट आउट करने का बोलते तो कर सबको बुला लेते स्टेज पे कान खराब है क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या। अच्छा, आप डॉक्टर हो ठीक कर सकते हो आप नहीं तुम्हारे तो तुम मरीज हो तुम आगे बढ़ो नहीं आपकी वो बोल रही ना नहीं, मेरे, मेरे, आपके ग्रुप में से एक और तो ग्रुप में बोल रही है ना ग्रुप में है ना तुम फोकस रखो हम तो ऑडियंस अगर बिग बॉस बोलता ना दो जने और बुलाने का तो मैं बुला लेता मैं पक्का बुला लेता बोला नहीं ना तुझे किस बात का डर बुला आप तो चुप रहो ना भाई आप चुप रहो ना आप नहीं बोल सकते वो लोग बोल सकते फोकस किस पे आप पे ऐसा नहीं लिखा है वहाँ पे नहीं बोल सकते फोकस तो बोलो बोलो फिर बोलो बदलेगा। अच्छा कुछ बोलोगे ना तो दिखोगे भी थोड़ा है ना तो बोलना चाहिए चलो आपको मौका दिया बोलने का बोल सकते हो आप बोल सकते हो मौका दे रहा था भाई कि बोल सकते हो तो बोलो यार वैसे भाई वैसे वैसे बोल नहीं सकते मैं बताता हूँ बोल नहीं सकते इनको मैं ये समझ लो छाती छाती लगा क्या है क्या है तो भी ऐसे मैं इनको मानता हूँ जनता और जनता भी ऐसी वाली एक तो होती है कि जो देख रही है अच्छा अच्छा ओके एक है जो देख भी नहीं रही और ऐसे 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 चल के वसीम हमें क्या गाली तो बकरा मुझे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेन चीज ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो होनी चाहिए हर इंसान में होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे को कुछ बोल दोगे ऑब्वियसली बात है मैं बोलूंगा पर कोई लड़की आके मजाक कर देगी उसका उसके लिए लड़ पड़ेंगे क्योंकि उसको दबाने की कोशिश करेंगे अरे मैं तो मर्दू ना मैं लड़की दबा सकता हूँ लड़कियों से लड़ने का पूरा दम है भाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी से भी छोड़ो मेरे से भी कोई बाहर से कोई वैसा बंदा भी आया उससे भी नहीं लड़ सकते क्योंकि डर है कि कहीं यार रूल तोड़ के मारपीट ना मचा दे और फिर भागना पड़ जाए तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा फेक है और जो भी है इनके साथ ही भी फेक है वैसे ना मुझे डर नहीं बोलने का उनका भी। थैंक यू बिग बॉस परफेक्ट थैंक्स आते से बवाल मचा दिए थे बवाल मचने नहीं दे रहे ये किसका मौका तो मचेगा बस इतना ही था।